Today we are going to meditate upon 2 Corinthians chapter 3 verse 17. आज हम दूसरे कुरिन्थी तीसरा अध्याय उसके सत्रहवें पद पर ध्यान देंगे. In that Paul the apostle says. उसमें प्रेरित पाल उस इस प्रकार से कहता है. The Lord is spirit. परमेश्वर आत्मा है. And wherever the spirit of the Lord is. और जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है. There is freedom. वहाँ पे स्वतंत्रता है. देर इज डेलिवरेंस वहाँ पे छुटकारा है डेलिवरेंस एंड फ्रीडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अवर लाइफ स्वतंत्रता और छुटकारा हमारे जीवन का एक बहुमूल्य भाग है सो वेर एवर द स्पिरिट ऑफ द लॉड इज सो कहीं परमेश्वर की आत्मा है देर इज डेलीवरेंस वहाँ पे छुटकारा है Who is the spirit of God? ये परमेश्वर की आत्मा कौन है As Christians, ऑल ऑफ एस नो मसीह होने के नाते हम सब जानते हैं कि one. हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है वी हैव फाद गॉड हमारा पिता परमेश्वर है जीसस द सन यीशु जो पुत्र है एंड द स्पिरिट और पवित्र आत्मा टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ क्रिस्टियानिटी आज मसीहत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ Even many people of God, servants of God, do not understand this. ये कई परमेश्वर के जन तक ये समझ नहीं पाते. How can we explain this Trinity of our God? हम अपने इस परमेश्वर की त्रिएकता को कैसे समझा सकते हैं? If somebody asks you, how do you say that your God is Triune God? How do you explain? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे समझाते हैं कि मेरा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है? कैसे आप बताते हैं? Sometimes you yourselves are confused. कई बार आप खुद इसमें भ्रमित हो जाते हैं How can God be three persons at the same time? कैसे परमेश्वर एक ही बार में तीन अलग अलग लोग हो सकते हैं Remember this example. ये उदाहरण को याद रखिए Every day we see the sun. हर रोज हम सूरज को देखते हैं बट वेन वी लुक एट the sun, we आर unable टू सी इट जब हम सूरज को देखते हैं तो उसको हम देख नहीं पाते द सन इज सो ब्राइट एंड सो ग्लोरियस वो इतना चमकीला है तेजस्वी है नो बडी कैन गो नियर द सन उसके करीब कोई नहीं जा सकता इफ वन ड्रॉप ऑफ द सन फॉल्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे That man will become ashes. अगर एक बूंद सूरज का कई लाख किलोमीटर दूर भी अगर गिर जाए तो मनुष्य राख बन जाएगा अवर फादर गॉड इज जस्ट लाइक द सन हमारा परमेश्वर पिता उस सूरज के समान है यू के नॉट गो इन योर हिंद आप उसके पास नहीं जा सकते दैट इज वाई द बाइबल से इसीलिए बाइबल कहता है कोई भी परमेश्वर का चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता कोई उसको देख नहीं सकता इवन मोज एट हिम ओनली फ्रॉम द बैक साइड मूसा तक उसको पीछे से ही देख पाया था द लॉर्ड सेड व्हेन आई पास बाय आई विल कवर यू विद माय हैंड्स परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तेरे सामने से गुजरूंगा अपने हाथों से तुझे ढांप लूंगा थिंक ऑफ द फादर गॉड इसलिए सूरज को पिता परमेश्वर के रूप में आप देखें बट कैन वी लिव विदाउट द सन मगर क्या हम उस सूरज के बगैर रह सकते हैं? नो वी कैन नॉट नहीं बिल्कुल नहीं वी गेट द हीट ऑफ द सन हमें सूरज से गर्मी मिलती है वी गेट द लाइट ऑफ द सन हमें सूरज से ज्योति मिलती है वी कैन सी एवरीथिंग ओनली विदेल्प ऑफ द सन लाइट हम सिर्फ सूरज के ज्योति से ही सब कुछ देख पाते हैं द स लाइट हेल्प लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दिस सूरज की रोशनी इस संसार में जीवन को कायम रखने के लिए Think चाहिए सन like यीशु को उस सूरज की ज्योति के समान देखे वर्ल्ड विद मैन वो इस संसार में मनुष्य के साथ था यू कैन स्टिल सी हिम उसको अब भी आप देख सकते हैं। ही टुक अपॉन द ह्यूमन फॉर्म उसने मनुष्य का स्वरूप लिया गॉड हु इज मैनिफेस्ट इन ह्यूमैनिटी वो परमेश्वर है जो मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट हुआ। देर इज अनदर called द हीट ऑफ द सन और एक और चीज है वो है सूरज की गर्मी द हीट ऑफ द सन helps अस डू everything। सूरज की गर्मी हमें सब कुछ करने के लिए सहायता देती है यू के नॉट सी दीट आप उस गर्मी को देख नहीं सकते बट यू कैन फील दीट ऑफ द सन मगर उस गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं विदाउट दिस हीट दर्थ इल्फ विल बी लाइक स्वम्प अट फुल ऑफ वाटर और इस गर्मी के बगैर ये पूरा पृथ्वी भी सिर्फ एक पानी का एक जलाशय रह जाएगा द होल स्पिरिट इज लाइक दैट पवित्र आत्मा वैसा है यू के नॉट सी हिम आप उसको अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते बट यू फील हिज पावर इन एवरी मगर उसके सामर्थ को आप हर जगह महसूस कर सकते हैं यू फील हिज ग्लोरी इन एवरी आप उसकी महिमा को हर जगह महसूस कर पाते हैं द होल स्पिरिट वॉज प्रेसेंट फ्रॉम क्रिएशन पवित्र आत्मा सृष्टि के रचना से उपस्थित है इन दी ओल्ड टेस्टिमेंट ही टू ओनली सर्टन पीपल पुराने नियम में बस कुछ ही लोगों को वो दिया गया था टू प्रीस एंड प्रोफिट एंड किंग्स कुछ भविष्यवक्ताओं को राजाओं को और याजकों को दिया गया था वॉज गिवेन फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ अर कॉलिंग वो किसी के बुलाहट को पूरा करने के लिए दिया जाता था बट नाउ वी आर लिविंग इन एवरी स्पिरिट मगर आज हम एक ऐसे वातावरण में जीते हैं जहां पे हर किसी के पास पवित्र आत्मा का वरदान है लॉर्ड गिव होल स्पिरिट एवरी वन हुस परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हर किसी को देता है जो उसके लिए विनती करता है पूछता है Now when the power of the Holy Spirit is in you, अब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है. What happens to your life? आपके जीवन में क्या होगा? Do you need the Holy Spirit as a Christian? एक मसीह होने के नाते क्या आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है? Yes, every Christian needs the power of the Holy Spirit. हाँ हर एक मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है हाल लुया हाल लुया हाल लुया विदाउट द होल स्पिरिट इस पवित्र आत्मा के बिना वी आर जस्ट लाइक डेड क्रिस्टियन हम मृत मसीहों के समान होंगे विदाउट हिस् पावर वी आर नॉट अलाइव उसके सामर्थ के बगैर हम जीवित ना रहेंगे दैट इज why पॉल सेज ही इज द deliverer. इसीलिए पाउल कहता है कि वो छुटकारा देने वाला है क्रॉस ने अपना लहू क्रूस पर हमारे लिए बहाया वी आर वॉश बाई हिज ब्लड उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए गलाती पांच के उन्नीस से इक्कीस में रोम ट्वेंटी नाइन टू थर्टी वन रोमी एक उन्तीस से इकतीस तक पॉल टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द फ्लेश पॉल हमारे शरीर के प्रकृति के बारे में बताता है Our flesh always seeks to sin. हमारा शरीर हमेशा पाप करना चाहता है दाऊद भजन संगीता इक्यावन उसका एक से तीन और पांच में कहता है We all were formed in sin. हम सब के सब पाप में ही बनाए गए थे So इसलिए हमारा शरीर सिर्फ पाप के बारे में ही सोच सकता है so when we accept the Lord Jesus, इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं we are washed by his blood. हम उसके लहू से धोए so जाते we become हैं a new creation. हम नई सृष्टि बन जाते हैं वी आर जस्ट लाइक अस इज एम टी एंड क्लीन हम एक घर के समान होते हैं जो बिल्कुल खाली और साफ होता है बट वॉट इज अउस फॉर मगर एक घर किसके लिए है समी शुड लिव इन दट हाउस उसके अंदर किसी को रहना पड़ता है अदरवाइज इट इज अंटेड प्लेस नहीं तो वो एक बुधा मकान हो जाएगा सो इवन इफ यू आर अ क्लीन हाउस इसलिए अगर आप एक साफ सुथरा घर हैं तो भी वॉश बाई द ब्लड ऑफ जीस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा you साफ किए होने के बाद पावर ऑफ द होली आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ होना चाहिए अदरवाइज यू कैनोट रिमेन क्लीन नहीं तो आप साफ नहीं रह पाएंगे यू विल बी कैरीड अवे बाई द वर्ल्ड आप इस संसार के द्वारा उठा लिए जाएंगे We face so much of temptations in this world. इस संसार में हम कई परीक्षाओं का सामना करते We have हैं। so much of problems. हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं। वन से आई कह नॉट है कि मेरे कोई समस्या नहीं है एन एनी से क्या कोई कह सकता no. है? नहीं एवरी वन बॉर्न एज अग अ प्रॉब्लम हर एक जो मनुष्य की तरह पैदा हुआ है उसमें समस्याएं होती हैं अ चाइल्ड विल क्राई फॉर अ चॉकलेट एक छोटा बच्चा चॉकलेट के लिए रोता है अ लिटिल बिगर चाइल्ड विल क्राई फॉर टॉयज थोड़ा और बड़ा बच्चा खिलौनों के लिए रोता है अ यंग गर्ल और अ यंग वुमन विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स एक जवान लड़का और एक जवान लड़की के अलग अलग जरूरतें होती है ड्रेसेस एंड फ्रेंड्स। उनको अच्छे कपड़े चाहिए अच्छे दोस्त चाहिए दे नीड विस्टम फॉर एजुकेशन उनको बुद्धि चाहिए अपने पढ़ाई के लिए एस यू ग्रो और जैसे आप बढ़ते हैं एस यू मेच्योर जैसे आप परिपक्व होते हैं योर प्रॉब्लम चेंजेस आपकी परेशानियाँ अलग होती जाती है एस पेरेंट्स अबाउट आर चिल्ड्रन माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं उटर ग्रिल्ड्रेन दादा दादी नाना नानी अपने नाती पोतों के लिए चिंतित थे so, इसलिए जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती एवरी वन फेस डिफरेंट काइंड हर एक के जिंदगी में अलग अलग तरीके के समस्याएं आती रहती है But the Lord say, परंतु परमेश्वर कहता है सपोर्ट सिस्टम आपके पास एक सहायक है यू हैडी टू कैरी यू थ्रू योर लाइफ आपके पास कोई है जो आपके जीवन में आपको चलने में मदद करता है। and that is the Holy Spirit. और वही आत्मा है that is why Jesus says in जॉन चैप्टर 16 verse 8. इसीलिए ही यीशु कहता है योहन्ना सोला उसके में। 14, 16 उसके 17. योहन्ना चौदह 16 और सत्रह में When he comes, जब वो आता है he will teach you all that is the truth. वो, आपको वो सब सिखाएगा जो सत्य है he will teach you everything. वो आपको सब कुछ सिखाएगा so सांत्वना देने वाले होने के नाते as a deliverer, छुटकारा देने वाला होने के नाते वॉट इज द होल स्पिरिट डू फॉर पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है First of all, पहली बात he delivers us from our own self वह हमें अपने आप से छुटकारा देता है he delivers us from all our evil selfish nature वो हमारे अपने बुरे कामों से और चरित्रों से हमें छुटकारा देता है यही मैं आपसे कह रही थी कि पाउल कहता है हमारे शरीर की बुरी अभिलाषाएं और प्रकृति के बारे में But when the Holy Spirit comes in you, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है he changes your nature completely. वो आपके चरित्र को बिल्कुल बदल देता है Once you become a Christian, एक बार जब आप मसीह बन जाते हैं It does not mean that you are perfect. इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिपूर्ण या सिद्ध हैं Sometimes you will meet worse Christians than other people. कभी कभी आप ऐसे बुरे मसीहों से मिलेंगे जो कि साधारण लोगों से भी बुरे हैं देर आर मेनी क्रिस्टियन लिव डिनाइंग क्राइस्ट ऐसे कई मसीह हैं जो मसीह का त्याग करके जीते हैं That is why the Bible says. इसीलिए बाइबल कहता है Even if you are washed by the blood of Jesus. अगर आप मसीह के लहू से धुले हैं तो भी That alone is the ticket to heaven. अकेले वही काफी है स्वर्ग जाने के लिए बट that is नॉट इनफ मगर वो काफी नहीं है to continue your life as a christian एक मसीह जीवन लगातार जीने के लिए यू शुड है होल स्पिरिट इन यू आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है दट इज वाई इन romans 8:5 and 29 इसीलिए रोमी आठ का पांच और नौ पाउल Paul पाउल कहता है First we were all sinful. पहले हम सब पापी थे But now we are being transformed into His image. परंतु अब हम उसके स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं When we believe in the Son of God, जब हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं the spirit in us, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है changes our selfish nature. हमारे स्वार्थी चरित्र को वो बदल देता है मे बी वंस बिफोर योर आईज वेर नॉट होली शायद पहले आपकी आंखें पवित्र ना थी बटवेन द होल स्पिरिट इज इन यू मगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता Your है बिकम होली आपकी आंखें पवित्र हो जाती हैं। मे बी बिफोर यू आर टॉकिंग ऑल बैड वर्ड पहले शायद आप सारी बुरी बातें बोलते होंगे बट बटवेन द होल स्पिरिट इज इन यू मगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता the है बैड विल नॉट कम फ्रॉम योर माउथ वो बुरी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती मे बी वे बिफोर यू आर अबाउट अदर पीपल शायद पहले आप दूसरों के बारे में जलन रखते थे बट वेन यू हैव द होल स्पिरिट परंतु जब आपके पास पवित्र आत्मा है यू विल ओनली हैव लव एंड कम्पेशन आप में सिर्फ प्रेम और दया ही पाया जाएगा आपके जीवन में न होंगी एक माँ का सिर्फ अकेला बेटा था शी वॉज वर्किंग एस ए टीचर वो एक शिक्षक के रूप में काम करती थी शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड टू एजुकेट हर सन वो बहुत मेहनत करती थी की वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सके Her husband had died long back in an accident. उसका पति बहुत समय पहले एक दुर्घटना में खत्म हो गया था so all her hope was on this boy. इसलिए पूरी की पूरी आशा उसकी इस बेटे पर थी बेट one day when this boy was returning from college, अगर एक दिन जब यह लड़का कॉलेज से वापस आ रहा था He met with an accident and died. वो एक दुर्घटना में पड़ गया नॉट एग्जैक्टली डाइड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस वो मरा तो नहीं परंतु बेहोश हो गया ही वेंट अ डीप कोमा वो बहुत ही गहरे कोमा में The चला गया। डॉक्टर सेड हिज ब्रेन इज से डैमेज डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो We चुका cannot है नॉट सेव हिज लाइफ अब उसका जीवन बचाया नहीं जा सकता सो इमीडिएटली वॉट दिस मदर डेथ तुरंत ये माने क्या किया इवन इन दिस ग्रेट सोरो बड़े दुख के समय में भी शी डिसाइडेड टू डोनेट ऑल ऑर्गन्स टू अदर्स उन्होंने निर्णय लिया कि अपने बेटे के सारे अंग दूसरों को दान में दे देंगी दिस यंग मैं हार्ट वॉज डोनेटेड टू एल्स इस जवान लड़के का दिल किसी और को दे दिया गया दिस यंग मैं आई वीवेन टू समल उसकी आंखें किसी और को दी गई दिस यंग मैन लिवर वॉज गिवन टू अन पेशेंट उसका लिवर दूसरे एक मरीज को दिया गया इन ऑर्डर टू ट्रांसप्लांट ऑल दिस ऑर्गन डोनेट ऑल दिस ऑर्गन्स ये सारा ट्रांसप्लांट करने के लिए या फिर अंग दान करने के लिए पूरा का पूरा शहर कुछ क्षणों के लिए रोक दिया गया बिकॉज द एम्बुलेंसेज हैव टू टीज वि पेशेंट क्यूंकि एम्बुलेंसो को ये सारे अंग लेकर कुछ ही मिनटों के अंदर दूसरे मरीजों के पास पहुंचना था Everything was stopped. सब कुछ रोक दिया गया But ultimately, अंत में when everything was over, जब सब कुछ खत्म हो, हो चुका what this mother said. ये माँ ने क्या कहा आपको मालूम है सन इज नो लॉन्गर डेड मेरा बेटा अब मृत नहीं है ही थ्रू थ्री अदर पीपल वो तीन अलग अलग लोगों के द्वारा जीवित है हार्ट इज बीटिंग इन समबडी क्योंकि उसका दिल अभी भी किसी के अंदर धड़क रहा है हिज लिवर इज वर्किंग इन समोन एल उसका लिवर किसी और के अंदर काम कर रहा है His eyes are seeing through someone else. उसकी आंखें किसी और के द्वारा देख रही हैं। Similarly, उसी समान। When the Holy Spirit comes inside you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, your flesh dies. आपका शरीर खत्म हो जाता है। Your selfish nature dies. आपका स्वार्थीपन खत्म हो जाता है। God lives inside you. परमेश्वर आपके अंदर जीता है। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! हालेलुया गॉड लिव्स इनसाइड यू परमेश्वर आपके अंदर जीवित है हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस गॉड टू बी इन आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये परमेश्वर आपके साथ हो वी शुड ऑलवेज नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ हमेशा चाहिए रहे है माय इट फ्रेंड्स मेरे प्रिय मित्रों दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग अ वेरी डेंजरस एंड टेरिबल प्लेस ये संसार बहुत ही खतरनाक और बुरा बनता जा रहा है new, new हर रोज हम नए चुनौतियों का सामना करते हैं सो फॉर सोफरस टू बी विक्टोरियस इसलिए जय पाने के लिए द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंडर पर्सन इफ द होल यू अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप और दूसरे एक व्यक्ति में क्या अंतर है वेन वी आर हिज चाइल्ड जब हम उसके बच्चे होते हैं बट वी स्टिल डू नॉट चेंज मगर तब भी बदलते नहीं हैं। When the power of the holy spirit is not inside us. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होता। We also होता। talk bad things. हम भी बुरी बातें करते हैं। The other person in the world also talks bad things. संसार में वो दूसरा जो व्यक्ति है वो भी बुरी बातें करता है। He also है। does bad things to his neighbors. वो भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बुरे काम करता है। We also do bad things to our neighbors. हम भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बुरे काम करते हैं सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टियन अ मैन ऑफ गॉड एंड दस तो एक मसीह यानी परमेश्वर के बच्चे और दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर रह जाता है ओनली वेन द होल स्पिरिट इज इन यू सिर्फ पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होता है तभी यू कैन सी अ चेंज इन योर लाइफ आप अपने जीवन में एक बदलाव को देख सकते हैं। लाइफ विल चेंज कंप्लीटली आपका जीवन परिपूर्ण तौर से बहुत द स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ द पास्ट पुरानी छोटी छोटी बातें ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ योर ओल्ड लाइफ आपके पुराने जीवन की छोटी छोटी बातें विल वैनिश अवे वो बिल्कुल दूर हो जाए सपोज सपोज इफ यू गो फॉर एन ऑपरेशन मान लीजिए आप एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं द स्कार रिमेन्स इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम आपके शरीर में वो निशान बहुत समय के लिए रहता है बट वेन द होल स्पिर इन साइड यू मगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है स्कार्स ऑफ ओल्ड लाइफ विल नॉट बी इन यू आपके पुराने जीवन के जो निशान रह जाते हैं वो हट जाते हैं और दूर हो जाते हैं यू विल नॉट रिमेम्बर इट एनी मोर आप उसको याद भी नहीं करोगे टूडे so इसलिए आज वी आर गोइंग टू प्रे फॉर दावर ऑफ द होल स्पिरिट टू कम अपॉन एस हम आत्मा का वो सामर्थ हमारे अंदर आने के लिए प्रार्थना करेंगे बाइबल से मैथ्यू चैप्टर सेवन वर्स सेवन बाइबल मत्ती सात के साथ में कहता है asks, जो कोई मांगता है उसको मिलता Ask, है and you will मांगो और तुम्हें मिलेगा इज एबल टू गिव यू एवरी गुड थिंग वो आपको सब भली वस्तु देने के लिए सामर्थी है सो टूडे यू इसलिए आज आप जो कोई क्यों ना हो एज लॉन्ग एज यू नो दीज एस योर सेवियर आप अगर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जानते हैं स्पिरट अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु फिल्मी विद द पावर ऑफ द होली स्पेट पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे मुझे चेंज इन माय लाइफ मेरे जीवन को बदल दे। चेंज इन माय लाइफ मेरे जीवन को बदल दे। टुडे यू आर गोइंग टू सी अ बिग डिफरेंस आज आप एक बहुत बड़े बदलाव को Lysus देखेंगे येशू फिल माय पीपल यीशु मेरे लोगों को तू भर दे फिल माय पीपल मेरे लोगों को भर दे लेट योर पावर फॉल अपॉन तेरा सामर्थ्य उनके ऊपर आने पाए और उनके पुराने चरित्र को तू दूर कर दे गिव दम उनको पवित्रता दे ट्रांसफॉर्म सिंह लाइफ उनके पापमय जीवन को बदल दे Open your mouth and ask... अपने मुंह को खोले Jesus और मांगे यीशु मुझे भर दे आई नीड द पावर ऑफ द स्पिरिट मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए द पावर ऑफ द होली स्पिरिट मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए प्रभु सबको अभी अभिषिक्त करता है सबको वो भरता है no जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे बुराई का कोई काम नहीं no जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा है शैतान के लिए कोई जगह नहीं रहती उनके जीवन को तो पूरी तरह से परिवर्तित कर दे उनके जीवन को तू बदल दे, उनकी बुरी आदतों को तू हटा दे उनके बुरे रिश्तों को तू हटा दे, लॉर्ड उनको भर दे प्रभु यीशु, बॉन्डेज ऑफ सिकनेस शायद आप बीमारी के बंधन में हो शायद आप बुरे लोगों के बंधन में हो But मगर आज प्रभु आपको छुटकारा देता Jesus है ये आपको छुटकारा देता है ये आपको स्वस्थ करता Jesus है ये आपको आनंद देता Shantama. है शांतमा। आप हर रोज रोती हैं। no आपके अंदर शांति नहीं family, आपके परिवार में हमेशा झगड़ा है परंतु आज परमेश्वर आपको शांति देता है परमेश्वर आपको आनंद देता है आप में से कुछ लोग अपने काम में प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको प्रमोशन देता है कुछ लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यू आर प्रेइंग फॉर द ऑफ योर आप चाहते हैं कि उनको उद्धार मिले। आपके आंसुओं को परमेश्वर आज देखता है वो जरूर उनको छुएगा वो जरूर उनको छुएगा प्रभु यीशु। ऑफ अब मेरे लोगों के आंसुओं को तो पूछते मेरे लोगों के आंसुओं को तो पूछतेड यू अगर कोई ऐसा है जिसने आपको ग्रहण नहीं किया टू प्रभु यीशु उनके दिलों में तू आ यीशु दिलों में आ शांति और आनंद उनको देख हियरिंग अवर प्रेयर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है We thank you for our धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लोगों को आशीष दिया है यीशु के नाम से मैं मांगते हूँ Amen. Amen.